हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप कुछ इस तरीके के ब्लॉग को डिजाइन करना सीखोगे। इस ब्लॉग को आप देखिए, बिल्कुल वर्डप्रेस में प्रोफेशनल वेबसाइट जैसे बनाता है, प्रोफेशनल ब्लॉग जैसे बनाता है, उस तरीके का लुक है इसका। बट इसको आप ब्लॉगर में बिल्कुल फ्री में डिजाइन कर सकते हो। कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ब्लॉगिंग क्या है उसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आप वीडियो को चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कैसे आप ब्लॉगर में किसी फ्री ब्लॉग को प्रोफेशनल वेबसाइट जैसे लुक दे सकते हो। बिल्कुल फ्री में ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले आपको blogger.com में आना होगा। यहाँ पे आप URL देख सकते हो। अगर आप अपने मोबाइल फोन से या टैबलेट में फ्री ब्लॉग बनाना चाहते हो, उसको डिजाइन करना चाहते हो, तो आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को एनेबल कर देना होगा। फिर आप अपने मोबाइल फोन में या टैबलेट में blogger.com को ओपन कर सकते हो। आगे जितने भी मैं प्रोसीड्योर बताऊंगा सब कुछ आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में या टैबलेट में सेम होने वाला है। blogger.com में आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना gmail ID और पासवर्ड देके साइन इन कर लेना होगा। gmail ID या फिर google mail ID कैसे क्रिएट करते हैं बिल्कुल फ्री में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जीमेल कैसे क्रिएट करते हैं देख लीजिए। अगर ऑलरेडी आपका जीमेल अकाउंट है तो उस अकाउंट से आप यहाँ पे ब्लॉगर में साइन इन कर लीजिए। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने चला आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लॉगर प्रोफाइल में आप अपना खुद का नाम डाल सकते हो, आप अपने कंपनी का नाम डाल सकते हो या आपका जो ब्लॉग का नाम रहेगा उस नाम को भी यहाँ पे डाल सकते हो। ये आपके ब्लॉगर का प्रोफाइल होगा, ये आपके ब्लॉग का नाम नहीं होने वाला है। तो जैसे ही आप ब्लॉगर प्रोफाइल सेट कर दोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू ब्लॉग बटन पे क्लिक करना होगा। क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने चला आएगा। यहाँ पे टाइटल में आपको अपने ब्लॉग का नाम डालना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रो कॉन्टेंट राइटर डाल रहा हूँ। नीचे एड्रेस में आपको अपने सब डोमेन का नाम डालना होगा। blogger.com एक रूट डोमेन है और यहाँ पे आप अपना सब डोमेन क्रिएट करोगे। तो मैं अपना सब डोमेन procontentwriters.blogspot.com क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये अवेलेबल है, यहाँ पे टिक आप देख सकते हो। अगर मैं लास्ट का जो एस है उसको हटा देता हूँ, procontentwriter.blogspot.com रखता हूँ तो ये अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरीके से आपका जो भी ब्लॉग अवेलेबल रहेगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, नाम सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे सिंपल पे क्लिक करके क्रिएट ब्लॉग बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट ब्लॉग बटन पे क्लिक करते ही आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने ब्लॉगर का डैशबोर्ड देख सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप डोमेन परचेज करना चाहते हो या नहीं, तो अगर आप कस्टम डोमेन परचेज करना चाहते हो तो सर्च बटन पे क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं तो इसको कैंसिल कर सकते हो। कस्टम डोमेन आप बाद में ब्लॉगर में कभी भी ऐड कर सकते हो, इसलिए मैं अभी इसको कट कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा ब्लॉगर का डैशबोर्ड। यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करते ही आप अपने ब्लॉग को देख सकते हो। आप देख सकते हो ये ब्लॉग बिल्कुल सिंपल है, इसको हम कस्टमाइज करेंगे, इसका डिजाइन कुछ चेंज करेंगे और इसको प्रोफेशनल बनाएंगे। दोस्तों अपने ब्लॉग में कुछ भी चेंजेस करने के लिए आपको डैशबोर्ड में आना होगा। यहाँ पे आप ब्लॉगर का डैशबोर्ड देख सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वेबसाइट या ब्लॉग दो लैंग्वेज से बनता है। एक बनता है मार्कअप लैंग्वेज जो ब्लॉग या वेबसाइट को डिजाइन करने में काम आता है, और दूसरा बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ब्लॉग के फंक्शन में काम आता है, यानी ब्लॉग का कौन सा बटन क्या काम करेगा, कहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही सेट किया जाता है। ब्लॉग को डिजाइन करने के लिए HTML CSS जैसे मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और इस कोडिंग को देखने के लिए आपको थीम सेक्शन में एडिट HTML बटन पे क्लिक करना होगा, तो आप ये सारा कोड देख सकते हो। इसी कोड के वजह से ब्लॉग दिखने में वैसा था, तो इस कोड को अगर आप चेंज कर दोगे तो आपका ब्लॉग का डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। इसी कोड को हम चेंज करने वाले हैं, और डिजाइन को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्लॉगर के टेम्पलेट को डाउनलोड करना होगा। मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वाले टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। डाउनलोड करने के बाद इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करते ही एक अलग सा फोल्डर आ जाएगा, इसके अंदर आपको कई सारे फाइल्स मिलेंगे और इसी के अंदर आपको एक XML फाइल मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये वाला XML फाइल है,
इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप नोटपैड प्लस प्लस नाम के एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। आप गूगल में सर्च करके इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना, तो आप एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक करके इस सारे कोड को देख सकते हो। आपको इस कोड को कॉपी करना होगा, कॉपी करने के बाद आपको ब्लॉगर में जाना होगा, जितना भी कोड था ब्लॉगर का उसको सिलेक्ट करना होगा। ऑल सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना है कीबोर्ड में, तो सारा कोड को आप सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए और जिस कोड को आपने अभी अभी कॉपी किया उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो सारा कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और फिर सेव बटन पे क्लिक कीजिए। सेव होने के बाद आपको बैक बटन पे क्लिक करके बैक जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉग का जो थीम है वो अपडेट हो चुका है। मैं एक बार ब्लॉग को रिफ्रेश करता हूं और आप देखेंगे यहां पे हमारा न्यू थीम आ चुका है। अभी इस थीम को हम कस्टमाइज करने वाले हैं, यहां पे कुछ कोड को चेंज करेंगे और अपने हिसाब से इस ब्लॉग को डिजाइन करेंगे। बट उससे पहले आपको ब्लॉग में कुछ आर्टिकल्स लिखने होंगे, कुछ पोस्ट डालने होंगे, एक या फिर दो पोस्ट, इससे ब्लॉग का डिजाइन हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो मैं एक आर्टिकल इसमें लिख देता हूँ। ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना होगा, पोस्ट में क्लिक करना होगा और यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉग के लिए पोस्ट लिख सकते हो। ऊपर आपको पोस्ट का टाइटल देना होगा, नीचे बॉडी सेक्शन में पोस्ट में जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाता है अपने पोस्ट को डेकोरेट करने के लिए, अपने पोस्ट को कस्टमाइज करने के लिए। साइड में कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ताकि आप अपने पोस्ट का एसईओ अच्छी तरीके से कर सको। तो चलिए मैं अपना एक आर्टिकल यहाँ पे लिख लेता हूँ। दोस्तों हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है ब्लॉग को कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे ब्लॉग को एक प्रोफेशनल वेबसाइट जैसे लुक देते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग के लिए प्रॉपर वे में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कर दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। ब्लॉग पोस्ट मैंने लिख लिया है, इसको पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश हो चुका है, अभी इस पोस्ट को हम व्यू करेंगे। यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो, तो ये रहा हमारा पोस्ट। आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल वे में ये पोस्ट लिखा गया है और ये शो हो रहा है। यहाँ पे नीचे शेयर का भी आप बहुत सारे बटन देख सकते हो, कोई चाहे तो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में यहाँ पे शेयर कर सकता है। यहाँ पे साइड में सोशल लिंक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए अभी ब्लॉग को देखते हैं, ब्लॉग के अंदर ये पोस्ट किस तरीके से शो हो रहा है। तो मैं एक बार ब्लॉग को रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोस्ट किस तरीके से शो हो रहा है। अभी हम इस ब्लॉग के लेआउट को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम ब्लॉग के मेनूज को बदलेंगे, यहाँ पे साइड बार जो है वहां पे लिंक्स ऐड करेंगे, यहाँ पे नीचे फुटर को देख सकते हो, अबाउट सेक्शन को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस ब्लॉग का जो लोगो है इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे फास्टर दिया हुआ है, इस लोगो को हमें चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमें ब्लॉगर के डैशबोर्ड में जाना होगा और लेआउट सेक्शन में क्लिक करना होगा। लेआउट सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले फेविकॉन, फिर हेडर लेफ्ट, हेडर राइट, नीचे आप मेनू देख सकते हो, बॉडी देख सकते हो, साइड बार देख सकते हो और नीचे फुटर आप देख सकते हो। तो ये क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ब्लॉग में ऊपर का जो हिस्सा है इसको हेडर कहा जाता है, ये है हेडर लेफ्ट और ये है हेडर राइट। ये रहा ब्लॉग का मेनू, इसको ब्लॉग का बॉडी कहा जाता है, इसको साइड बार कहा जाता है और ये नीचे का हिस्सा फुटर कहा जाता है। एक वेबसाइट हो या ब्लॉग हो, हेडर, बॉडी और फुटर सेम रहता है। तो चलिए अभी हम लेआउट में चलते हैं और एक एक करके हम इन सब को कस्टमाइज करते हैं। ब्लॉग के लोगो को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे हेडर लेफ्ट को एडिट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप प्रीवियस लोगो देख सकते हो, रिमूव इमेज पे क्लिक करके मैं इस फास्टर के लोगो को रिमूव करता हूँ और फिर यहाँ पे चूज फाइल का जो बटन है इस पे क्लिक करके हम अपने वाले लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉग के लिए लोगो कैसे बनाते हैं जानने के लिए मेरे इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे प्लेसमेंट में इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट रहना चाहिए और फिर सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एक बार रिफ्रेश करता और आप देखेंगे मेरे ब्लॉग का लोगो जो है वो अपडेट हो चुका है। हेडर राइट को एडिट करके यहाँ पे गूगल एडसेंस का एड कोड लगा के आप अपने ब्लॉग से ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हो। अपने ब्लॉग में गूगल एडसेंस के एड कोड कैसे लगाते हैं ये आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस में पता चल जाएगा। दोस्तों अभी हम ब्लॉग के मेनू बार को एडिट करने वाले हैं। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, इसको मेन मेनू कहा जाता है और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू का भी ऑप्शन आ रहा है। चलिए इस मेनू को कैसे एडिट करते हैं ये बता देता हूँ आपको। इसके लिए लेआउट के अंदर मेनू के पास जो एडिट का ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे।
कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो मेनू में जितने भी कैटेगरी और ड्रॉप डाउन मेनू में जितने भी कैटेगरी है वो सभी नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं और आप इनको यहाँ से एडिट कर सकते हो या फिर मेनू में न्यू एंट्री भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेनू में देखिए डॉक्यूमेंटेशन नाम का एक कैटेगरी है, एक एंट्री है, इसको हम यहाँ पे एडिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, एडिट पे हमने क्लिक किया। अभी स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन का जो नाम है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन को चेंज करके कंटेंट राइटिंग रख रहा हूँ और नीचे हम यूआरएल भी डाल सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि कोई कंटेंट राइटिंग पे क्लिक करके दूसरे किसी पेज में चला जाए या दूसरे किसी वेबसाइट में या वीडियो में चला जाए तो हम उस वेबसाइट का, उस पेज का या वीडियो का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। अभी ब्लॉग पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखिए कंटेंट राइटिंग पे क्लिक करते ही मैं अपने वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। इस ब्लॉग के साइड बार में चार गैजेट एनेबल्ड है तो इनको चेंज करने के लिए आपको लेआउट में साइड बार में जाना होगा। यहाँ पे मैं सेकंड स्लाइड बार को एडिट करने वाला हूँ जो कि है फॉलो अस। यहाँ पे आप एक कोड देख सकते हो, इस कोड में आपको अपने ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक का लिंक ऐड करना है। मैं यहाँ पे अपने ट्विटर पेज का, फेसबुक पेज का और यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे नंबर्स को मैं एडिट करूँगा जिससे कि मेरे कितने कितने फॉलोअर्स हैं और कितने सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे ब्लॉग के सब्सक्राइबर्स को या मेरे ब्लॉग के व्यूअर्स को पता चलेगा। तो कैसे करता हूँ देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं नंबर्स को एडिट कर रहा हूँ और सेव बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स चेंज हो गए हैं। अभी इन पे अगर कोई क्लिक करेगा तो मेरे ट्विटर पेज में, फेसबुक पेज में और यूट्यूब चैनल में रिडायरेक्ट हो सकता है और यहाँ पे मैं अपने हिसाब से जितने फॉलोअर्स रहेंगे या जितने सब्सक्राइबर्स रहेंगे उस हिसाब से मैं यहाँ पे नंबर को चेंज कर सकता हूँ। साइड बार का जो थर्ड गैजेट है वो है सब्सक्राइब अस। यहाँ पे एक वीडियो दिया गया है, इस वीडियो को भी आप इजिली चेंज कर सकते हो। देखिए मैं कैसे चेंज करता हूँ, इसके लिए मैं सब्सक्राइब अस को एडिट करता हूँ। जैसे ही आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ कोड आपको दिखाई देंगे। इन कोड के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देखिए, यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, ये एक एम्बेडेड वीडियो का लिंक है। तो अगर आप अपना कोई वीडियो यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप अपने चैनल पे चले जाइए, आपका जो भी वीडियो है उसको आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ओपन होते ही इसको स्टॉप कीजिए, नीचे यहाँ पे आपको शेयर का बटन देखने को मिल जाएगा, आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एकदम आखिर में आपको वीडियो का आईडी मिलेगा, आप देख सकते हो youtube.be/ आपका एक वीडियो का आईडी है, इस आईडी को आपको कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड में चलते हैं, इसको पेस्ट करता हूँ और आखिर में वीडियो का जो आईडी है सिर्फ इस आईडी को हमें यहां से कॉपी करना है और यहां पे आप देखिए एम्बेडेड स्लैश के बाद जो भी आईडी है उस आईडी को यहां से हटा दीजिए और आपने जिस आईडी को अभी अभी कॉपी किया है उस आईडी को यहां पे पेस्ट कर दीजिए। फिर यहां पे सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करना है और आपका वीडियो यहाँ पे सब्सक्राइब अस वाले सेक्शन पे चलाएगा। यहाँ पे एक और गैजेट आप देख सकते हो ट्रेंडिंग नाम का, इसको भी आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। इसमें एक्चुअली क्या होगा, आपका जो भी पोस्ट लास्ट 7 डेज में या ऑल टाइम या लास्ट ईयर में या लास्ट 30 डेज में सबसे ज्यादा व्यूज गेन करेगा उन्हीं पोस्ट को यहाँ पे शो करवाया जाएगा। अभी हम ब्लॉग के फुटर में अबाउट सेक्शन को चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक इमेज है और टेक्स्ट है, इनको हम चेंज करने वाले हैं। तो हम लेआउट में फुटर के अबाउट सेक्शन को एडिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कोड है और इन्हीं कोड में इमेज का आपको 2 सोर्स फाइल मिल जाएगा और जो टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इमेज का जो सोर्स फाइल दिया गया है उन दोनों सोर्स फाइल को आपको अपने इमेज के सोर्स फाइल के साथ चेंज करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हो देखते रहिए। सबसे पहले मुझे ब्लॉगर में एक पेज क्रिएट करना होगा, पेज का मैं डॉक्यूमेंट नाम रख देता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना एक इमेज अपलोड करना होगा, उस इमेज को अपलोड होने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करना होगा। तो इमेज का
जो सोर्स यूआरएल है वो मुझे मिल जाएगा और उसी यूआरएल को यहाँ पे मुझे रिप्लेस कर देना है। जो टेक्स्ट है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जो कुछ भी मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ। फिर मुझे इसको सेव करना होगा। सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इमेज भी मेरा आ गया है और जो टेक्स्ट मैंने लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। फुटर में सोशल लिंक्स को ऐड करने के लिए मुझे लेआउट में जाना होगा। यहाँ पे नीचे फुटर सोशल विजिट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जिस भी सोशल मीडिया का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके उसका यूआरएल यहाँ पे मुझे ऐड कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्विटर का मैं यूआरएल ऐड कर रहा हूँ, मेरा जो ट्विटर का पेज का यूआरएल है वो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा मैं। तो मैंने ट्विटर का यूआरएल ऐड कर दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से यूट्यूब चैनल का लिंक मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। ये यूट्यूब चैनल का मेरा लिंक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और अभी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सेव बटन पे क्लिक कर दिया, अभी फिर से यहाँ पे नीचे सेव बटन पे क्लिक करना होगा और अभी जैसे ही मैं इस ब्लॉग को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे लिंक्स ऐड हो गए। अभी देखिए मैं यहाँ पे YouTube को ओपन कर रहा हूँ तो मेरा YouTube चैनल आ रहा है। मैं यहाँ पे Twitter को ओपन कर रहा हूँ तो मेरा Twitter का पेज यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आप अपने सोशल लिंक्स को अपने फुटर में इजीली ऐड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना ब्लॉगर में कैसे एक प्रोफेशनल वेबसाइट जैसे दिखने वाले ब्लॉग को डिजाइन किया जाता है, कैसे ब्लॉग को कस्टमाइज किया जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगर में आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिख सकते हो, किस तरीके से अगर आप अपने आर्टिकल को लिखते हो तो उसका रैंक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए, इससे मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में चला जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।